सिद्धांत या मत हैं हमारे विश्व में सब भगवान की ओर तो चलते हैं, किंतु कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पहले वेदों में, वेद कहता है कि उपासते पुरुषम जे ह्यकामास ते शुक्र मेत दति वर्तन्ति धीराः। वे बुद्धिमान मनीषी धीर लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं जो कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। फिर वेद कहता है कि केवल भक्ति से ही जीव का मिलन ब्रह्म से होगा, और जैसी भक्ति भगवान से हो वैसी ही भक्ति गुरु से भी होनी चाहिए, कंपलसरी है। फिर वेद कहता है भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। केवल भक्ति, एव शब्द का प्रयोग संस्कृत में जहां भी होता है उसका तात्पर्य है केवल। केवल भक्ति से ही जीव और ब्रह्म का मिलन हो सकता है, और कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों जी, इतने बड़े वेद में तो ये कहा गया है कांड त्रयात्मको वेदा, तीन कांड हैं वेद में। कर्म कांड तो 90% है, और उसके बाद ज्ञान कांड है, और थोड़ा सा उपासना कांड भक्ति कांड है। तीन कांड है, और आप कहते हैं केवल भक्ति से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। हाँ, वेद कह रहा है भक्ति रेव, केवल भक्ति। किसी भी मार्ग का निर्णय पांच प्रकार से होता है, दर्शन शास्त्र के द्वारा समझा रहे हैं, ध्यान देना। प्रथम अन्वय, अन्वय माने जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होना निश्चित हो। दूसरा व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्ति न हो सके। तीसरा वो मार्ग अन्य निरपेक्ष है या नहीं, यानी किसी और की भी अपेक्षा करता है या स्वतंत्र है। चौथा उसमें सार्वत्रिकता है कि नहीं, वो सर्वत्र सबके लिए सुगम है कि नहीं। पांचवा वो मार्ग सनातन है या कुछ काल का है। ये तमाम बातों का उत्तर अगर कोई सही सही पा जाए तो समझ ले कौन सा मार्ग सही है। चलो पहले कर्म कांड पर विचार करते हैं। पहला अन्वय, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती हो। कर्म के द्वारा क्या मिलता है? पुण्येन पुण्यलोकम् नयति तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति। गीता यत् कर्मिणो, वेद कहता है प्रमूढ़ा, महामूर्ख है जो कर्म कांड करता है।
तो कर्म से तू केवल स्वर्ग मिला वो दुखो दरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता है, भागवत कहती है। तो जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो ये पहला वही कट गया, कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं, वो स्वर्ग देगा और चार दिन बाद फिर हम संसार में आएंगे कुत्ते बिल्ली गधे बनकर। और जिसके बिना लक्ष्य प्राप्त ना हो तो प्रश्न ही नहीं, और उसमें सार्वत्रिकता भी नहीं है। ऐसे ऐसे नियम है कर्मकांड में कि अगर एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर का एक स्वर गलत हो जाए तो यजमान को नाश कर दे। एक स्वर, वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, जैसे तत् सो वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्यो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये स्वर होते हैं, एक स्वर उल्टा कर दो, गलत बोल दो तो यज्ञ करने कराने वाला जो यजमान है उसी का नाश हो जाए, ऐसा वेद कह रहा है। स्वरतो वर्णतो आ मिथ्या प्रयुक्तो यजमानम मेहनती। एक अरब की आबादी भारतवर्ष में है, 1,000 भी नहीं है ऐसे जो वेद के स्वरों का ज्ञान रखते हो, और यज्ञ हो रहे हैं हजारों डेली। स्वर से कोई मतलब नहीं, शब्द बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं लोग, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे ये वेद मंत्र है, ऐसे थोड़े बोला जाता है, इसमें स्वर होते हैं प्रत्येक अक्षर में, कुछ पता नहीं किसी को। तो देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते। ये 6 सिद्धांत है कर्मकांड में। षड्भिः संपद्यते धर्मस्ते दुर्लभ तराः कलौ। 6 नियम के पालन हो तब धर्म हो सकता है, वो कलयुग में असंभव। तो धर्म से कर्म से कोई काम नहीं बनेगा, अगर कोई विधिवत भी कर ले तो स्वर्ग मिलेगा, वो क्षण भंगुर। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कोई यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करने समाप्त होते समय आखिर में एक मंत्र बोला जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। हे भगवान, हम मंत्र में कहीं गलती कर गए हो, कर्म कांड में कहीं गलती कर गए हो तो आपकी शरण में है, हमको क्षमा करें। यहां भी भक्ति आ गई, और समस्त कामनाओं में भक्ति। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि। चाहे अकाम निष्काम हो तुम भी भक्ति करो, और तुम ध्रुव राज्य चाहते हो भक्ति करो वो भी मिलेगा। अरे बड़े बड़े खतरनाक काम करने वाले राक्षस हुए वो भी भक्ति से, ब्रह्मा की भक्ति किया हिरण्यकश्यपु ने, शंकर जी की भक्ति किया रावण ने, उसको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो कुछ मांगो मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है कि निष्काम होकर ही जाओ,
हाँ, निष्काम होकर जाने में जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे, सकाम हो जाओगे तो अप डाउन उठे गिरे ऐसे होते रहोगे।